व्लॉग। तो गाइज आज के इस व्लॉग में मैं टेस्ट करने वाला हूँ अपने ड्रोन। जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने DJI Mini 3 जो है कि पटना से कल ही मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। एंड गाइज वो व्लॉग शायद आपने देख लिया होगा और उसके बाद ये व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ। गाइज उसको मैं टेस्ट करने यहाँ किसी आउटर लोकेशन पे आया हूँ, ठीक है। तो गाइज वैसे मैंने तो उसको टेस्ट अपने छत पे कर लिया था, ठीक है, बट वहां पर मुझे डर लग रहा था। बहुत सारे जो है कि उसमें सिनेमेटिक ऐसे ऐसे जो है कि एक्स्ट्रा होते हैं, मोड होते हैं, जो कि मुझे चेक करना था। बहुत सारा उसमें मुझे फ्लाई करके अच्छे से चेक करना था कि कैसा फुटेज आता है। इसलिए मैं अपना ड्रोन लेकर देख सकते हो कि यहाँ पर एकदम आउटर एरिया में आ गया हूँ और सामने देख सकते हो एक पहाड़। इसको हम लोग बोलते हैं सुंदरगंज में झुंझुनवा पहाड़ है, पवई पहाड़ के नाम से जाना जाता है। इसका मैं एक व्लॉग ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसमें एक पत्थर है जो कि उस पर बजाने से वो बजता है, झुंझुन झुंझुन करके आवाज आता है। वो व्लॉग देखना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने में मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर काफी सुंदर नजारा सामने देख सकते हो, एक नदी है सामने, उधर ब्रिज है और चारों तरफ जंगल जैसा, और ये रहा पहाड़। तो गाइज अभी मैं अच्छे से यहाँ पर जो है कि अभी ड्रोन आपको उड़ाकर दिखाऊंगा, कैसे सारा कुछ सेटअप करने के लिए मैं दिखाऊंगा कैसे सेटअप किया जाता है एंड कैसे फ्लाई होता है, सब कुछ यहाँ पर दिखाएंगे। आसपास में जो है वो सरसों का खेत एंड खुला खेत है बहुत सारा, तो आपको सारा कुछ दिखाने वाले। उधर भी देख सकते हो, उधर खेत है, उधर पानी वानी नदी है, तो सारा कुछ आपको ड्रोन फुटेज में देखने को मिलेगा। तो गाइज ये व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, व्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। गाइज व्लॉग पसंद है तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए गाइज व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हम तो आ चुके हैं, ठीक है। एंड गाइज अब चलिए, वहां पर मेरा बाइक लगा हुआ है एंड यहाँ पर है मेरा ड्रोन। तो चलिए इसको पहले हम सेटअप करते हैं ओपन करके। सो गाइज तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा ड्रोन का ये रहा बैग, ठीक है। इसके ऊपर भी एक बॉक्स आता है, आपने मतलब मैं पिछले व्लॉग में आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया था ऑलरेडी। तो चलिए इसको हम यहाँ पर करते हैं ओपन, एंड ओपन करके यहाँ पर देख सकते हो ये रहा मेरा RC रिमोट कंट्रोल, ठीक है। इसको अच्छे से रख देते हैं, ये रहा रिमोट कंट्रोल। तो इसको पहले कर लेते हैं हम सेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक निकालें और इसमें ऐसे कर दिए। वैसे गाइज मैं पूरा एक वीडियो जरूर लाऊंगा कि कैसे मतलब फ्लाई कराया जाता है, कैसे सारा कुछ आपको बताएंगे, सेटिंग कैसे क्या कुछ सेटिंग है, कैसे कनेक्ट किया जाता है, सब कुछ आपको उसमें प्रॉपर देखने को मिलेगा। वो बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा कि कैसे उसको उड़ाया जाता है स्टार्टिंग में, आपको सब कुछ उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी हम बेसिक आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। इसको कुछ इस तरह से हमने ऑन मतलब कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसमें से पहले निकाल लेते हैं अपना ड्रोन। ये देख सकते हो रहा मेरा ड्रोन, ठीक है। एक चीज़ इसमें नहीं दिया गाइज, यहाँ ये है जो है कि DJI Mini 3 है, इसमें एक बेल्ट होता ना, तो ये प्रोपेलर्स जो इधर उधर हो जा रहा है, ये प्रोपेलर्स का एक बेल्ट रहता तो वो सही रहता है। सारा कुछ प्रोपेलर्स जो है ना अच्छे से जो है कि रहता है, ऐसे क्या है ना कि निकालते ना बैग से सब इधर उधर हो जाता, डर लगने लगता है कहीं एक दो को खींचा कर टूट ना जाए, ठीक है। ये रहा ड्रोन, पकड़ो तो ड्रोन, यहाँ देख सकते हो ड्रोन मैंने इधर रख दिया। अब यहाँ से बैटरी का पूरा हब है, ठीक है, एंड इसमें से एक बैटरी को हम निकाल लेते हैं। फिलहाल सब फुल चार्ज है गाइस, ठीक है। तो एक बैटरी को निकाल लिए, ये रहा मेरा ड्रोन। तो पहले हम ड्रोन को इसका सारा विंग्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा, इधर हम बैटरी को रख लेते हैं साइड में, एंड ये देखिए इसको विंग्स को खोलने के लिए ऐसे एक विंग्स ऐसे निकाल लेने हैं, दूसरा विंग्स यहाँ पर देखिए ऐसे करके दूसरा विंग्स ऐसे निकाल लिए, एंड तीसरा विंग के लिए ऐसे करके आगे की ओर ऐसे करना, ठीक है। एंड ये रहा चौथा विंग, इस तरह से ऐसे हो गया चालू, मतलब इस तरह से खुल गया। अब इसमें क्या करना है, अब इसको हम सेट करेंगे असेंबल। तो इसको इधर से ऐसे करके इसको हम इसमें कर दिया असेंबल, ये हो गया स्टार्ट, ठीक है। अब स्टार्ट करने के बाद अब इसको हम कर लेते हैं इस तरह से ओपन, इसको पकड़ो। तो गाइस देख सकते हो ये रहा इसका गिम्बल, ठीक है, एंड ये रहा ड्रोन। अब इसको आपको देखिए कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, कनेक्ट करने के लिए पहले यहाँ पर देख सकते हो ये रहा RC पे पहले वन टैप करना है एंड सेकेंड में थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना है, ये ऑन हो गया, ठीक है। एंड इसको कनेक्ट करने के लिए एक बार ऐसा टैप करेंगे और इसको थोड़ा देर तक टैप करेंगे, तो ये देखिए हो चुका है एक्टिव। एंड देखिएगा जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ पर गिम्बल खुद से राउंड मारेगा, देखिएगा
तो गाइज यहाँ पर ये जो है कि अभी कनेक्ट हो रहा है, देखिए गिम्बल राउंड मार दिया यानी एक्टिव हो चुका, और यहाँ पर देख सकते हो हमारा आरसी कंट्रोलर ओपन हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो अभी यहाँ पर रेड था और यहाँ ग्रीन हो चुका है, यानी ये अब कनेक्ट हो गया। अब इसका जो कैमरा है वो स्टार्ट हो जाएगा, देखिए गाइज यहाँ पर कैमरा भी शो होने लगेगा थोड़ी देर में, देखिए इसका कैमरा स्टार्ट हो चुका है। अब इधर जिधर भी करेंगे ना तो यहाँ पर देख सकते हो ये रहा मेरा ड्रोन और ये रहा आरसी कंट्रोल। अब देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे जिधर भी करेंगे सारा कुछ होगा। इसका जो गिम्बल गाइज एक्टिव है, इसलिए देखिए आप जैसे एक किसी ऑब्जेक्ट को ले लेगा ना तो उसी ऑब्जेक्ट के एक्सिस पर कितना भी ये घूमेगा ना तो इसका गिम्बल एकदम सही रहेगा। वैसे भी मैं यहाँ पर आपको फ्लाई करके दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा जो है कि शॉट आने वाला है। और देख सकते हैं यहाँ पर ये हो चुका है प्रॉपर कनेक्टेड। अब गाइज हम यहाँ पर इसको फ्लाई करते हैं, जितना मुझे पता है अभी हम फ्लाई करते हैं और आपको दिखलाते हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर नीचे ड्रोन को रख दिया और यहाँ देख सकते हो यहाँ हम यहाँ पर कर लिए। अब इसको स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसको आपको फ्लाई करके दिखाते हैं, ठीक है। ये हुआ टेक ऑफ, तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा टेक ऑफ हो चुका है, ओके। एंड यहाँ पर हमारा अभी 97% बैटरी है और आपको हम उड़ा कर अब दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा उसका ब्राइटनेस प्लस, एंड ये रहा इसका ब्राइटनेस प्लस कि नॉर्मल ही रहने देते हैं, ठीक है। एंड अब इसको करते हैं हम टेक ऑफ ऊपर, धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा धीरे धीरे यहाँ पर टेक ऑफ हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा आसमान में देख सकते हो ऊपर से देखिए कैसा सीन आ रहा है, देखिए यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर देखिए अच्छे से नहीं दिख रहा, यहाँ ऊपर से देख सकते हो ऐसा सीन आ रहा है। वैसे मैं ड्रोन फुटेज आपको दिखा दूंगा और वहाँ पर देख सकते हो ऊपर में ड्रोन उड़ रहा है और ये चारों तरफ सीन देख सकते हो। और अब आपको हम ऊपर से सीन दिखाते हैं कैसा आता है, तो लो पकड़ो और ऊपर दिखाते हैं और इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। गाइस यहाँ पर ऐसे कर दिए और ये देखिए अब ऊपर जा रहा है, ये देखिए गाइस ऊपर भी देखना, ऊपर देखना, ऊपर ऊपर देखना। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही हाइट पे यहाँ पर मैं ऑलरेडी ले जा चुका हूँ, ठीक है। अब हम इसको बढ़ाते हैं आगे और आगे से आपको दिखाएंगे। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दूर मैं वहाँ पर भेजा चुका हूँ और वहाँ तक मेरा कैमरा भी नहीं दिख रहा। अब यहाँ पर देखिए हम इसको चारों तरफ से इधर से घुमा के आपको दिखाएंगे, ठीक है। देखिए अभी इसको धीरे धीरे स्पिन करते हैं और इस वीडियो को मैं आपको इंक्लूड कर दूंगा व्लॉग में स्टार्टिंग में या कहीं पर भी इंक्लूड कर देंगे। और गाइज देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा इसको ऊपर, और ऊपर से देखिए इधर का पहाड़ हम आपको दिखाते हैं इस तरफ का, ये देखिए गाइज पूरा तगड़ा एकदम आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इसको अब अपनी ओर बुलाते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा इधर हम इसको बुला रहे हैं। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही हम ऊपर भेजा देते हैं और धीरे धीरे करके जो है कि ड्रोन अब नीचे आ रहा है और इसको इस तरफ खींच लेते हैं अपनी ओर, देखिए। सो गाइस तो ड्रोन हमारे पास आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है। फर्स्ट टाइम मैं खुद फ्लाई कर रहा था गाइस, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ही दूर चला गया था, ठीक है। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा ले लेते हैं सीन, थोड़ा सा एक्सियल मोड में, ठीक है। तो हल्का से इसको इधर से टिल्ट करते हैं और ये देखिए ऊपर से चारों तरफ का सीन थोड़ा सा दिखला देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही तगड़ी यहाँ पर शॉट आ रही है। वैसे यहाँ पर जो दिख रहा है ना गाइस, सेम वही शॉट जो है कि आपको देखने नहीं मिलेगा, इससे और भी HD क्वालिटी में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से कर लेते हैं, एक एक्सिस में यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड रिकॉर्ड कर लिए हैं यहाँ पर कुछ अच्छा सा शॉट और गाइस यहाँ पर हम इसको अब धीरे धीरे करके नीचे उतारेंगे। ये कर दिए रिकॉर्डिंग बंद और अब ये देख सकते हो गाइस धीरे धीरे नीचे उतर रहा है और इसको पीछे कर लेते हैं गाइस अपनी ओर।
ये देखिए गाइस, अब हमारा ड्रोन आ चुका है नीचे और ये करवाते हैं इसको धीरे धीरे लैंड। तो गाइस देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो है कि ड्रोन लैंड हो चुका है। तो इस फर्स्ट टाइम जो है कि मुझे खुद बहुत डर लगने लगा था, अभी बहुत आगे चल गया था ना, इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना कि अरे अभी आएगा कैसे। तो अभी हम खुद धीरे धीरे सीख रहे हैं, वैसे करते करते भी हो जाएगा। बट यहाँ पर जितना भी यहाँ पर है ना, सारा कुछ कंट्रोलर्स मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है क्या करना। वैसे आप इसको हाथ पे भी लैंड करा सकते हैं, ज़मीन पे भी लैंड करा सकते हैं, इसको कहीं भी आप लोग लैंड करवा सकते हैं और सारा कुछ हाथ ही में कंट्रोल, धीरे धीरे सारा कुछ सीख जाएंगे। और आप लोग को भी बताएंगे कैसे बिगनर्स लोग सारा कुछ, आपको बटन बता देंगे इस सब का क्या वर्क है, इसका क्या वर्क है, सबका क्या वर्क है, सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। वैसे भी कुछ शॉर्ट्स ले लेते हैं, ठीक है, और शॉर्ट्स ले लेंगे और वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे, सारा कुछ आप लोग देख लीजिएगा। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो गाइज ये ब्लॉग पसंद आएगी तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, अभी हमारे तक इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए गाइज मिलते हैं किसी न्यू और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।